लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आसमानी आपतह हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। नई दिल्ली, देश भर के कई इलाकों को मानसून ने अपने आगोश में ले लिया है। कहीं रात बनकर बड़ा बरस रहे हैं तो कहीं आसमानी आपत ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश का आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। यही नहीं, कई जगहों पर लगातार भारी बारिश के चलते लोगों को जान तक गंवानी पड़ रही है। उत्तराखंड में बारिश से मरने वालों की संख्या 24 के पार हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी 31 जुलाई तक मानसून की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। अगले 24 से 36 घंटे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण अब यहां के मैदानी इलाकों में खतरे की घंटी बजने लगी है। पहाड़ों से नदियां उफान भरकर ऋषिकेश में विकराल रूप धारण किए हुए है। मोक्षदायिनी गंगा का रूप बेहद डरावना बना हुआ है। बिग और उफान में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। बारिश का यही हाल रहा तो कुछ समय में नदियों का पानी सड़कों और फिर घरों तक पहुंच जाएगा, जो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। कांवड़ यात्रियों पर मंडरा रहा खतरा, बारिश के चलते नदियां नाले उफान भर रहे हैं। ऐसे में टिहरी डैम के पानी का लेवल भी काफी बढ़ चुका है और वहां से पानी छोड़ना लगातार जारी है, और पानी छूटने से ऋषिकेश के हालात और खराब हो सकते हैं। इन दिनों ऋषिकेश और हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के कारण भारी मात्रा में भक्त गंगा में डुबकी लगाने व जल भरने आते हैं, और ऐसे में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शिव भक्त इसी वेग में गंगा स्नान करने के लिए जल में उतरे। ऐसे में सिर्फ सावधानी ही बचाव हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के बिगड़े हालात, दो दिन की बारिश से ही दिल्ली एनसीआर के हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दो दिन की ही बारिश में एक सड़क धंस गई और दो सोसाइटियों पर खतरा मंडरा रहा है, जो बताता है कि दिल्ली एनसीआर में विकास की हड़बड़ी में कितना खोखला काम हुआ है और उसकी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। हिमाचल में हुआ भारी नुकसान, हिमाचल में शुक्रवार को हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। मनाली में लैंडस्लाइडिंग की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसके अलावा 96 संपर्क सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा रहा। पांवटा साहिब में गिरी नदी में बाढ़ आने से 8 स्थानीय लोग नदी में फंस गए। 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा में भी शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।